हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिया लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो मेरे फेस में पिगमेंटेशन थी मैंने उसको किस तरीके से लाइटन किया है और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा ग्लो आया है और एक ब्राइटन लुक आया है। तो इस DIY होम रेमेडी को कैसे तैयार करना है तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इस DIY फेस पैक बनाने का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है पोटैटो। मैं यहाँ पर दो कच्चे आलू ले रही हूँ और अगर एक बड़ा आलू हो तो एक बड़े आलू से काम चल जाएगा। तो मैं इनको अच्छे से पील कर लूँगी और उसके बाद इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी। उसके बाद मैं इन आलू को ग्रेट कर लूँगी और एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। आप चाहे तो इनको कट करके मिक्सर ग्राइंडर में इसका पेस्ट बना सकते हैं। तो जो पोटैटो होता है उसमें स्किन लाइटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपके फेस में जितने भी स्कार्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेज जितने भी हैं, ये इनको कम करता है, ये झुर्रियों को हटाता है, एक ब्राइटन लुक देता है ये। उसके बाद एक बाउल में एक मैं स्ट्रेनर की हेल्प से इसका अच्छे से जूस निकाल लूँगी। उसके बाद इस आलू के जूस में मैं मिलाऊंगी 1 टेबल स्पून बेसन, जिसे हम ग्राम फ्लोर भी कहते हैं। तो आप इतना डालिए कि एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए अंदाजे से। उसके बाद इसमें मैं शहद डालूंगी, जिसमें अभी डाबर का यूज़ कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैं हनी इसमें डालूंगी, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैं इन सबको अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बहुत अच्छे से इसको एक पेस्ट बना लूँगी। ना ज़्यादा थिक होना चाहिए, ना ज़्यादा रनी होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। इसके बाद मैं इसमें 2 चुटकी हल्दी मिला लूँगी, ये ऑप्शनल है। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा थिक है और ना ज़्यादा रनी है। फेस पैक लगाने से पहले मैं अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एवरयूथ का फेस वॉश। बहुत ही अच्छा फेस वॉश है और समर के लिए तो ये बेस्ट है, जो आपकी टैनिंग हो जाती है ये इसको कम करता है। इसमें लेमन है, चेरी है, विटामिन सी है इसमें, जो कि एक्सेस ऑयल जो होता है आपके फेस में ये इसको क्लियर करता है। स्किन को ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता, एक सॉफ्ट ग्लो स्किन देता है। तो आप देख सकते हैं एक इंस्टेंट ब्राइटन लुक आपको मिलता है और फेस में बहुत अच्छा ग्लो आता है। तो उसके बाद मैं लगा लूँगी अपना फेस पैक। तो आप देख सकते हैं मैं स्पून की हेल्प से ही फेस पैक लगा रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि ब्रश नहीं होता हमारे पास, अदरवाइज आप हाथ से भी लगा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको लगा के दिखा रही हूँ, मैं कई बार स्पून से ही फेस पैक लगा लेती हूँ। इसमें बेसन है, जो कि आपके फेस में एक्सेस ऑयल जो होता है इसको एब्जॉर्ब करता है, जितनी भी डर्ट होती है ये इसको दूर करता है। फेस पैक में हनी है, जो कि एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के लिए माना जाता है, जितने भी आपके रिंकल्स होते हैं ये इनको कम करता है। उसके बाद हमने इसमें टर्मरिक डाला है, जो कि एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है, जो कि आपके ब्लेमिशेस को लाइटन करता है। तो 10-15 मिनट हो चुके हैं और ये जो फेस पैक है वो ड्राई हो गया है। उसके बाद मैं थोड़ा सा हाथों को गीला करके पूरे फेस में लगा लूँगी और हल्के हाथों से इसको मसाज करूँगी। तो बहुत ही लाइट हैंड से मैं पूरे फेस में और नेक में मसाज कर लूँगी। तो ये जो फेस पैक है ये पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छा फेस पैक है। इस फेस पैक को मैं कंटिन्यूस यूज़ कर रही हूँ, हफ्ते में मैं 3 बार मैं इसको लगाती हूँ और जितनी बार भी लगाती हूँ मैं इसको फ्रेश ही बनाती हूँ। कोई भी DIY फेस पैक बनाते हैं तो हम उसका कंटिन्यूस यूज़ करना चाहिए, उसके बाद ही आपके फेस में एक अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं एक ब्राइटन लुक आया है मेरे फेस में और एक बहुत अच्छा ग्लो आया है और मैं इसका कंटिन्यूस यूज़ करने वाली हूँ और बहुत हद तक इसने मेरे जो पिगमेंटेशन है इसको लाइटन किया है, आप देख सकते हैं। इस रेमेडी के दौरान मैं कोई भी क्रीम यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एलोवेरा जेल लगा रही हूँ मॉर्निंग में और नाइट में। तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर अपने पूरे फेस में और पूरे अपने नेक में लगा लूँगी और बहुत ही लाइट हैंड से मसाज करूँगी। तो जो एलोवेरा जेल है वो स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, एक आपको सॉफ्ट स्किन देता है, एक ग्लो स्किन देता है, बहुत हेल्दी स्किन आप फील करते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।